माननीय सभापति जी, ये मुद्दा इतना बड़ा है और इतना गंभीर और समसामयिक है कि हम चाहते हुए भी इस पर अपना दुख, रोष और अपने शब्दों को कम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका आदेश है पीठ से, हमारा पूरा उसके प्रति सम्मान है। हम प्रयास करेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात आपके सामने रखें। मानवर, जहां तक सवाल महंगाई का है, आज सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर किसानों का, गरीबों का, नौजवानों का, समाज के हर तबके का जनजीवन महंगाई से प्रभावित हो रहा है। और चुनाव में जब ये लोग गए थे तो डबल इंजन की सरकार का नारा लेकर के गए थे और कहा था कि उत्तर प्रदेश में भी सरकार बन जाएगी, डबल इंजन की सरकार हो जाएगी तो हम महंगाई पर भी कंट्रोल करेंगे। लेकिन सभापति जी, सत्ता में इनका दूसरा चेहरा रहता है और विपक्ष में इनका दूसरा चेहरा रहता है। सत्ता में भारतीय जनता, विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को एक गाना बहुत प्रिय था, अभी कुछ ही साल हुए हैं, महंगाई डायन खाए जात है। लेकिन अब जब सत्ता में आ गए हैं तब गाना गा रहे हैं कि महंगाई सखी मन भाए जात है। ऐसा ही है दोहरा चरित्र इन लोगों का। विपक्ष में रह करके घड़ियाली आंसू बढ़ाइए, ढोंग करिए, और जब सत्ता में आ जाइए तो गरीब जनता का खून चूसने का काम करिए। यही है इन लोगों का दोहरा चरित्र। महंगाई बेलगाम है मानवर। हमें आश्चर्य होता है कि महंगाई पर मन की बात क्यों नहीं होती। एक बार महंगाई पर भी मन की बात हो जाए, लेकिन मन की बात महंगाई पर नहीं होगी। प्राथमिकता इसलिए नहीं होगी क्योंकि प्राथमिकता अपने कुछ खास अरबपति मित्रों के धन की बात करने के लिए, वो प्राथमिकता है, इसलिए महंगाई पर मन की बात नहीं होगी। इसलिए हम ज्यादा लंबा नहीं कहेंगे मालवीय। लेकिन आज डीजल पेट्रोल की क्या कीमतें हैं? आपने बड़े जोर शोर से जीएसटी को उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम किया था, लेकिन क्या डीजल पेट्रोल को आप जीएसटी के अंतर्गत नहीं ला सकते? आज सैकड़ा पार कर रहा है पेट्रोल की कीमत, उसमें कितना वैट आप ले रहे हो? कई राज्यों के उदाहरण हैं जिन्होंने वैट कम किया है और आज सस्ती कीमत पर दे रहे हैं। बगल में हमारा एक राष्ट्र है, नेपाल राष्ट्र, वहां क्या कीमत है डीजल और पेट्रोल की? आप तो गरीबों के चिंता करने वाले लोग थे, आप तो कभी उद्योगपतियों की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब क्या कारण है कि आप उद्योगपतियों के ही गोद में जाकर के बैठ गए? जिस उज्ज्वला योजना का आपने ढिंढोरा पीट पीट करके प्रचार किया, आज क्या हालत है गरीब से जरा पूछ लो। सिलेंडर पर खाना बन रहा है आपको, बड़ी यहां सदन में आप चर्चा करते हैं कि आपने उज्ज्वला में इतने लाख, इतने करोड़ कनेक्शन दे दिए, लेकिन जरा पूछिए क्या गरीब का बेटा, क्या हमारी माताएं बहने, क्या उनके पास पैसा है कि सिलेंडर की वो रिफिलिंग करा सके? अंतिम बात कह करके मानवर, ये गंभीर समस्या है और पीठ से हम अपेक्षा करेंगे महंगाई रोकने का कुछ उपाय। हम विपक्ष के लोगों के पास भी मंत्र है, अगर सरकार हमारे साथ बैठे तो हम जरूर कहेंगे पूंजीपतियों का मोह छोड़िए, किसानों की चिंता करिए, महंगाई भी कम होगी, आपको आशीर्वाद भी मिलेगा। लेकिन आपको तो केवल पूंजीपतियों की चिंता है, गरीबों का केवल आप खून चूसने के लिए, आपका महंगाई पर कोई ध्यान नहीं है। इसलिए इस बड़े विषय पर मैं आज सदन की कार्यवाही रोक करके चर्चा कराए जाने की मांग करता हूँ। आपने समय दिया मानवर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।